फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिया इन किचन। आज मैं आपके साथ दही जमाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो कई चीज़ों से दही जमाई जाती है, जब भी घर पर जामन ना हो तो दही जमाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, आज मैं हरी मिर्च से दही जमा रही हूँ। ये देखिए, दूध को मैंने पहले बॉयल कर लिया था, अब मैं इस बर्तन में दूध को निकाल दे रही हूँ। जब भी आपको दही जमाना हो तो गाढ़ा दूध होना चाहिए। पतले दूध से अगर आप दही जमाएंगे तो वो आपका दही अच्छा नहीं जमेगा। ये देखिए, मैंने दूध को बर्तन में निकाल दिया है, अब मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। दही जमाने के लिए दूध थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। और ये देखिए, मैंने दो हरी मिर्च ली है। हरी मिर्ची में डंठल लगी होनी चाहिए। और अब मैं इसको डीप कर दे रही हूँ। 10 से 12 घंटों में दही जम जाती है, तक कि मैं इसे ढाक के रख दे रही हूँ बर्तन को। और 10 से 12 घंटे के बाद मैं इसे चेक करूँगी। 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, अब मैं दही को चेक कर ले रही हूँ कि दही सही जमा है। ये देखिए, कितना अच्छा दही जमा है, कितना गाढ़ा। अब मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा। अगर आपके घर पर जामन अवेलेबल ना हो तो आप हरी मिर्ची से आप दही जमा सकते हैं। और दही जमाने के लिए किसी गहरे डिब्बे में रख सकते हैं, हॉट पॉट में आप इस दही जमा सकते हैं, और गर्म जगह पर रख सकते हैं। गर्म जगह पर रखने से दही जल्दी जम जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।